तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी के साथ। अंकित मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गया, हमारे साथ अविनाश उदयपुर से लाइव जुड़ गया, हमारे साथ पीयूष गौड़ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गया। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, व्यापारी के पास स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये चिट्ठी मिलती है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि कभी आप ऐसी पोस्ट डाल दें, कभी ऐसा हमारे लिए कहते हैं, और किसी हम पठान के बच्चे हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं, हद से तुम्हें हम हमें जेल करवा दोगे। तो ये सारी बातें उसमें लिखी गई है। इसका व्यापारी पर काफी गहरा डर पैदा हुआ और उसके बाद वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है, पुलिस संज्ञान लेती है, क्योंकि उदयपुर की घटना के बाद जिस तरह से सारे देश में ये मामला उठा तो पुलिस गाजियाबाद पुलिस चौकन्नी होते हुए उसको सुरक्षा तो मुहैया करवा देती है। पर सुबह भी हम जब पीड़ित व्यापारी के बात करने की कोशिश करते हैं ऑन कैमरा, उसके व्यवस्था या क्या आगे पुलिस की कार्रवाई हो रही है, क्या वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, यानी कि सुरक्षा बढ़ा दी गई। पीयूष आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि अविनाश हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। अविनाश, बार बार ऐसी धमकियां मिलती है कि उदयपुर जैसी घटना कर दी जाएगी, जान से मार दिया जाएगा, क्या वहां पर भी इसको लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? उदयपुर में कैसे हालात हैं और वहां से क्या कनेक्शन गाजियाबाद का नजर आ रहा है इन आरोपियों का? आज बिल्कुल, देखिए अगर बात उदयपुर की करें तो उदयपुर में अब स्थितियां जो है वो सामान्य होने लगी है। उदयपुर का जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। उदयपुर शहर देश नहीं दुनिया में पर्यटन के नाम पे जाना जाता है और अब यहाँ की पर्यटन की रफ्तार धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन इस तरह के मामले चाहे उदयपुर में हो या किसी अन्य शहर में हो, उसके लिए बेहद संवेदनशील है और महज, क्योंकि अगर ये बात की जाए उदयपुर में कन्हैया लाल की, तो उसने नीपुर शर्मा के समर्थन में जो है वो पोस्ट किया था, लेकिन बाद में परिवार का है कि कन्हैया लाल को अपना स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, वो तो केवल बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे और गलती से वो पोस्ट हो गया, इसलिए जो है ये तमाम मामला है। लेकिन अगर इस तरह से अगर हर छोटी बात के ऊपर इस तरह से गला काटने की या मारने की धमकी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो संविधान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसकी लगातार अल्पसंख्यक समुदाय भी जो है वो बात चौकसी बरतने होगी, क्योंकि इस तरह के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ अंकित भी हमारे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया, उनका ब्रेक कर लेते हैं, दिल्ली से वो जुड़े हुए हैं। अंकित मिश्रा, ये मामला, ये एक ट्रेंड जो चला आ रहा है, उदयपुर जैसी घटना कर देंगे, कन्हैया लाल जैसा बंदर कर देंगे और पोस्ट जो किया जाता है उसको लेकर जो अचानक से मामला भड़क उठता है, किसी के दिल में कोई बात लग जाती है, मारने पर उतारू हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रशासन के द्वारा सुरक्षा बढ़ती जा रही है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मेरी इसको लेकर के बातचीत भी हुई थी और प्रशासन साफ तौर पर ये मुस्तैदी के साथ ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंसक प्रवृत्ति जो लोग अख्तियार कर ले रहे हैं, यानी जीरो टॉलरेंस पर आ जाते हैं, अचानक से कोई पोस्ट हो जाती है, उनको लगता है कि उनकी भावना आहत हो जाती है और उसके बाद वो किसी को भी मौत के घात उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों जो हिंसाएं हुई हैं, चाहे अमरावती की बात हो, उदयपुर की बात हो, वहाँ तत्कालीन गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस की रही थी और अभी जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार वहाँ से हटी, उसके बाद से अब शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में कह दिया है कि हम इस पर पूरी तरीके से एक्शन में है, तो वहीं राजस्थान सरकार भी कोशिश कर रही है। लेकिन बात अगर नोएडा और दिल्ली की करें तो यहां की सरकारें भी मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हिंसक प्रवृत्ति अख्तियार हो रही है और लगातार कोशिश हो रही है कि सामने वाले को, यहां पर ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा अंकित, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी नजर रखी जा रही है? क्योंकि अगर कोई इस तरह के भड़काऊ पोस्ट कर रहा है और क्या पोस्ट के माध्यम से कोई किसी और को धमकी दे रहा है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्राउंड पे तो मुस्तैदी बढ़ती जाए लेकिन सोशल मीडिया पर भी नजर रहे। साफ तौर पर ट्विटर पर सबसे ज्यादा, ट्विटर और फेसबुक ये वो माध्यम है जहां पर सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें विजिलेंस बैठा दिया गया है और लगातार इन पर मॉनिटर, एक तरीके से कहें मॉडरेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। यहां तक कि ट्विटर को अब से एक हफ्ते पहले साफ तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से कहा भी गया था, अगर आपने ऐसे पोस्टों को हटाया नहीं और हमें जानकारी नहीं दी महीने के महीने, तो हम आप पर भी कार्रवाई करेंगे और आपको हम थर्ड स्टेट है जो दे रखा है वो भी आपसे छीन लेंगे। तो इसी से साफ जाहिर हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये कहीं से भी नहीं चाहती है, खासतौर पर गौड़ से भी बातचीत कर लेते, क्योंकि पीयूष गौड़ गाजियाबाद के पूरा मामला है, कैसे उस व्यापारी को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई जाती है, अगर कोई आने वाले वक्त में हादसा हो जाता है, इसके लिए भी काफी सोचने वाली बात है, प्रशासन कैसे सुरक्षा मुहैया करवा रहा है व्यापारी को? नहीं देखिए, आपको साफ तौर पर बता दूं, जैसे ही व्यापारी द्वारा पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस ने यहाँ तुरंत रिएक्ट किया और उसको सुरक्षा महसूस उपलब्ध करवाई। पर बात यह है, सोशल मीडिया पर लगातार, जिसकी हमारी साथी बात कर रहे थे, पुलिस और आईटी सेल निगरानी बनाए हुए, इसलिए इस जो चिट्ठी भेजने वाला शख्स है उसने एक नया माध्यम अपनाया, वो पुराने माध्यम से चलकर
खत चिट्ठी के जरिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये करता है, क्योंकि हो सकता है उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं हो, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है तो जल्द पकड़ में आ जाएगा, इसलिए उसने स्पीड पोस्ट का माध्यम चुना इस धमकी भरे खत को पहुंचाने के लिए। और साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर करी उसने, अपने आप को उदयपुर के से कनेक्ट करके ये मैसेज देने की कोशिश करी कि क्या हो सकता है। ये भी देखने वाली बात है पीयूष गौड़ की, जो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट करे उनको भी बचना चाहिए, चाहे हम उदयपुर की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कानपुर की बात करें, तो ऐसे पोस्ट से भी बचना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए बिल्कुल, समय समय पर अधिकारियों द्वारा और बाकी अन्य सोशल सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपील तो की जाती है, पर हमें स्वयं से भी इस चीज से अवेयर रहना पड़ेगा किसी भी भड़काऊ पोस्ट से बचने के लिए। और अभी तमाम तरह की जो हिंसा उत्तर प्रदेश में देखी गई, कानपुर, ज्ञानवापी और उसके समेत बाकी अन्य, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि उदयपुर के कन्हैया जैसा हाल कर देने वाली ये धमकी दी गई है। और हमारे तमाम सहयोगी यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, अंकित भी जानकारी दे रहे थे, उदयपुर का भी रुक लेते हैं। अविनाश, ये काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी विडंबना कह लीजिए कि उदयपुर में घटना होती है उसी का हवाला देकर अब हर जगह पर ऐसी घटनाएं होने लग गई है, तो उदयपुर भी बहुत जरूरी हो गया अवेयरनेस फैलाना कि सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट ना हो। प्रशासन को चाहिए कि आईटी सेल को चाहिए कि वहां पर निगरानी बरतें। जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट नहीं, और मैं आपको बताना चाहूँगा उदयपुर में जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनका मकसद भी यही था कि इस घटना के बाद में लोगों में खौफ फैले और आतंक जो है वो लोगों के अंदर नजर आए। ये NIA ने अपनी FIR में भी जो है वो मेंशन किया है कि दोनों ही आरोपियों का मकसद यही था कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक तीन वीडियो वायरल किए थे जिसमें कि हत्या का वीडियो भी वायरल हुआ और हत्या से पहले का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो और उसके बाद रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, ये तीन वीडियो वायरल हुए थे और उसका मकसद यही था कि लोगों में किस तरह से खौफ फैलाना। और यही कारण है कि तमाम जो चाहे वो यूपी की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तमाम जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें हवाला उदयपुर का ही दिया जा रहा है। मतलब जो उनका मकसद था कहीं ना कहीं उस मकसद में वो जो है वो कामयाब। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी बरत रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।